आस्तिक के पॉडकास्ट अब सुने गाना ऐप पर भी। सफेद रंग का सनातन धर्म में क्या महत्व है, जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आस्तिक स्पिरिचुअल सीक्रेट्स में। हमारी संस्कृति में हर रंग की ऊर्जा अलग अलग बताई गई है। रंगों का इस सृष्टि में बहुत महत्व है, खासकर मनुष्यों के लिए। हम मनुष्य अनेकों रंग देख पाते हैं और बचपन से ही हम जब इस संसार को देखते हैं तो उनमें छिपे रंग हमारी भावना, हमारी मानसिकता को एक नई दिशा देते हैं। हम जब भी किसी चीज के बारे में कुछ विचार करते हैं तो उसको एक रंग से जोड़ लेते हैं। इंद्रधनुष के सभी रंग सफेद रंग से निकले हैं। हमारे सनातन धर्म में भी सफेद रंग बहुत महत्वपूर्ण है। आइए जानते हैं सफेद रंग के महत्व के बारे में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले धर्म एवं रोचक जानकारियों से जुड़े रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाकर ऑल वाला नोटिफिकेशन जरूर दबाएं। प्राचीन काल में जब भी यज्ञ या पूजा की जाती थी तो स्त्री और पुरुष दोनों सफेद रंग के वस्त्र धारण कर पूजा में बैठते थे। इसके साथ ही पूजा हवन कराने वाले पंडित भी सफेद वस्त्र धारण करते थे। सफेद रंग सुख और शांति का प्रतीक होता है और जहाँ सुख शांति होती है वहाँ लक्ष्मी आने में देर नहीं लगाती। इसलिए अपने भारत में कहा जाता है कि सफेद कपड़ों में माता लक्ष्मी का वास होता है। पहले भारत में विवाह के समय दुल्हन को सफेद रंग की ओढ़नी ओढ़ाई जाती थी ताकि जब वह सफेद ओढ़नी पहनकर घर में प्रवेश करे तो उसके साथ माता लक्ष्मी भी घर में रहने को आए। सप्ताह का पहला दिन सोमवार भगवान शिव के साथ चंद्रमा का भी दिन होता है। चंद्रमा को शांति और सौम्यता का प्रतीक माना जाता है। इसके साथ ही चंद्रमा नींद, सौभाग्य, शक्ति, धन, खुशहाली और पानी का कारक ग्रह कहा जाता है। इसलिए हमारे ग्रंथों में सोमवार के दिन सफेद वस्त्र पहनना बहुत ही शुभ बताया गया है। सफेद रंग भाग्य को मजबूत करने वाला रंग है और सफेद कपड़े धारण करने से आपकी कुंडली में चंद्र ग्रह की स्थिति भी मजबूत होती है। सफेद रंग पवित्रता, शुद्धता, ज्ञान और स्वच्छता का प्रतीक है। आपने हमेशा सुना होगा कि हमारी संस्कृति में अज्ञानता को अंधकार का प्रतीक माना जाता है और ज्ञान को रोशनी का प्रतीक माना जाता है। इसलिए ज्ञान और विद्या का रंग सफेद कहा जाता है, क्योंकि जो ज्ञान और विद्या के पुजारी होते हैं उनके जीवन में अज्ञानता रूपी अंधकार नहीं रहता है। सफेद रंग माता सरस्वती को भी बहुत प्रिय होता है। इसलिए हमारे सनातन धर्म में जब भी बालक शिक्षा ग्रहण करते थे तो उनके वस्त्र सफेद होते थे। वास्तु शास्त्र में शयन कक्ष यानी के सोने के कमरे में सफेद रंग का प्रयोग करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि वास्तु शास्त्र के अनुसार सफेद रंग आंखों को ठंडक देने वाला रंग है और सफेद रंग को देखने से नींद भी अच्छी आती है। इसके साथ ही सफेद रंग के कारण लोग तनावग्रस्त कम रहते हैं। परम पिता ब्रह्मा जी को भी सफेद रंग प्रिय है। भगवान ब्रह्मा सफेद वस्त्र धारण करते हैं क्योंकि सफेद रंग पारदर्शिता और कोमलता का प्रतीक होता है। भगवान ब्रह्मा सफेद वस्त्र पहनकर यह संदेश देते हैं कि उनके लिए सृष्टि के सभी जीव एक समान हैं। भगवान किसी जीव में भेदभाव नहीं करते हैं। आयुर्वेद के अनुसार सफेद रंग आपके हृदय को स्वस्थ रखने के साथ साथ शरीर में फैट को भी कंट्रोल में रखता है और सफेद रंग की सब्जियां और फल फूल खाने से ट्यूमर और कैंसर जैसी बीमारियां भी नहीं होती हैं। सफेद रंग को ब्राह्मणों का रंग भी कहा जाता है क्योंकि यह पवित्रता, देवत्व, अलगाव और शांति का रंग है। भारतीय संस्कृति के अलावा प्राचीन मिस्र और प्राचीन रोम में पुजारी शुद्धता के प्रतीक के रूप में सफेद रंग के कपड़े पहनते थे। इस्लाम और जापान के शिंटो धर्म के लोग भी तीर्थ यात्रा में सफेद रंग के कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं। चीन और दूसरे एशियाई देशों में सफेद रंग को पुनर्जन्म के साथ भी जोड़कर देखा जाता है। ब्रिटेन में सफेद पंख को कायरता का प्रतीक समझा जाता है। कई पश्चिमी सभ्यताओं में सफेद रंग को शुरुआत और नए से जोड़ा जाता है। तो दोस्तों, यह थी सफेद रंग से जुड़ी कुछ रोचक जानकारियां। कमेंट करके बताएं कि आपको कौन सा रोचक तथ्य नहीं पता था और आपको कौन सा रंग पसंद है। हम उसके महत्व पर वीडियो बनाएंगे और वीडियो को अभी लाइक कर 10,000 लाइक का हमारा टारगेट पूरा करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर कर चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आशा करते हैं कि आप सफेद रंग के महत्व को समझेंगे और उससे अपने जीवन में लाभ प्राप्त करेंगे।